दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप मिक्स्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैं ट्रिक्स यूज करता हूं सबसे पहले तो मैं उसे आपको लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद ही मैं कोई ट्रिक्स यूज करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे यूज करते ही तो दोस्तों आपकी भी मिक्स्ड कार्ड पर वीडियो वायरल होने लगेगी। आपकी वीडियोस पर बहुत ही कम लाइक आते हैं, आपकी वीडियोस पर बहुत ही कम व्यूज आते हैं और आपके फॉलोवर्स भी बहुत कम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक्स को यूज करने के बाद हकीकत में दोस्तों आपके फॉलोवर्स और लाइक दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाली है। आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सबसे पहले आप उस ट्रिक्स को यूज करिए, उसके बाद में ही हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे साइड में हमारे वाले की स्क्रीन चलेगी, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपना मिक्स्ड कार्ड को ओपन करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर उसी ट्रिक्स को आप अच्छी तरीके से यूज करिएगा ना कुछ दिनों तक, तो आपकी वीडियोस भी बहुत ही अच्छे खासे लाइक एंड फॉलोवर दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो जो फोर यू पे आप वीडियो आ रही है यहीं पे आपको देखने वाली बात है, यहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो है, ये वीडियो में आप देख सकते हो 29,000 के आसपास लाइक है और यहाँ पे इसका साउंड इफेक्ट देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने साउंड लगाया हुआ है तो इनका ओरिजिनल साउंड है। आप देख सकते हो ये दूसरी वीडियो है, तो इस वीडियो पे आप देख सकते हो 1,00,000 के आसपास व्यूज है और यहाँ पे भी इसका देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल साउंड है। और मैं इस तरीके से फिर से स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80,000 मतलब 8,00,000 के आसपास इस वीडियो पे लाइक है और इसका भी देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल साउंड है। तो मैं दूसरे तरीके से फिर से स्क्रॉल किया, इस वीडियो पे देख सकते हो 3,877 लाइक है, इसका भी ओरिजिनल मतलब साउंड है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये भी वीडियो देख सकते हो, इस पर 5,00,000 के आसपास लाइक है लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इसका भी ओरिजिनल साउंड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिनल साउंड में वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियोज भी बहुत ही अच्छे खासे लाइक एंड फॉलोवर्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जो भी मिक्स्ड कार्ड पर फोर यू पे वीडियो आती है ना तो वो सारी वीडियो ओरिजिनल साउंड वही वाली आती है। अगर आप लोकल साउंड का यूज करते हो और फेवरेट साउंड का यूज करते हो तो आपकी वीडियोस पे बहुत ही कम लाइक आते हैं जिससे कि आपकी वीडियो फोर यू पे नहीं जा पा रही है। तो दोस्तों आज की ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, आप अपनी वीडियो को फोर यू पे कैसे ला सकते हो और अपना जो है ओरिजिनल साउंड कैसे बना सकते हो, ओरिजिनल साउंड पे आपको कैसी वीडियो अपलोड करनी है ताकि आपकी वीडियो वायरल हो सके और आपके भी अच्छे खासे लाइक आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी खुद वीडियो आपको दिखा देता हूँ, मैं मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी ओरिजिनल साउंड पे वीडियो बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी ओरिजिनल साउंड पे वीडियो बनी हुई है, इसमें यहाँ पे 1,600 के आसपास लाइक है। ये वीडियो आप देख सकते हो, इस पे देख सकते हो यहाँ पे 1,301 लाइक है और ये भी मेरा ओरिजिनल साउंड का ही वीडियो बना हुआ है। तो ये वाली वीडियो देख सकते हो आप, इस पे यहाँ पे देख सकते हो 2,586 लाइक है, बल्कि ये मेरा ओरिजिनल साउंड है। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ जिस पे मैंने ओरिजिनल साउंड पे वीडियो नहीं बनाई है उस वीडियो पे कितने कम लाइक आते हैं। तो यहाँ आप वीडियो देखिए, ये मेरा ओरिजिनल साउंड नहीं है, ये मैंने दूसरे का साउंड यहाँ पे लिया था फेवरेट करके। तो इस वीडियो पे आप देख सकते हो कितने कम लाइक है, 668 लाइक है और दूसरा भी यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे देख सकते हो 420 लाइक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने दूसरे का साउंड लिया था, यहाँ पे भी देख सकते हो 518 लाइक। तो मेरा क्या कहने का मतलब यही है कि आप ओरिजिनल साउंड पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल होगी और आपकी वीडियो फोर यू पे आएगी, तभी आपकी वीडियोस पे अच्छे खासे फॉलोवर्स और लाइक इंक्रीज होंगे। तो बहुत ही सारे बंदे सोच रहे हैं अपने ओरिजिनल साउंड कैसे बनाए, ओरिजिनल साउंड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहीं पे देख सकते हो जैसे कि मुझे ये वीडियो पसंद आ गई। यहाँ पे बहुत ही सारे बंदे क्या काम करते हैं, इस तरीके से प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करने पर यहाँ पे इसे फेवरेट कर लेते हैं, फेवरेट करके यहाँ पे या फिर इसे ज्वाइन करके यहाँ पे देख सकते हो ज्वाइन का बटन दिख रहा हुआ, ज्वाइन दिस साउंड, इस पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को बना लेते हो, इसी चक्कर में आपकी वीडियोज पर कम लाइक आते हैं। अब सिंपली तो आप कहोगे कि ओरिजिनल साउंड पर कैसे वीडियो बनाएं, कैसे बनाने के लिए आपको जैसे कि मुझे इस वीडियो का ओरिजिनल साउंड चाहिए कैसे मिलेगा आपको, तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर लेना है। अब इसे डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपली आपको क्या काम करना है, यहाँ से इसे बैक चले जाना, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, आपको देख सकते हो प्ले लिस्ट को सर्च करना है, प्ले लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो ये वाली एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को हमेशा के लिए डाउनलोड करके रखिएगा अगर आप मिक्स्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हो, ये आपके बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जितनी भी सॉन्ग होंगे वो आप अपने ओरिजिनल साउंड में यहाँ पे बना सकते हो। ओपन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, आप जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है, जैसे आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर से आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, तो यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप करने के बाद फिर सिंपली इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली मैंने वीडियो यहाँ पे ली थी जिसमें जिसका मुझे साउंड निकालना है मतलब ओरिजिनल साउंड बनाना है, तो ओरिजिनल साउंड बनाने के बाद इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो यही वाली वीडियो थी और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन, नेक्स्ट वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आइडियो निकालना है, तो आइडियो निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपका आइडियो का बटन, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कहना सेव टू MP3 पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो सेव टू MP3 पे आपको क्लिक करना है। आप सेव टू MP3 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग जो है आपके म्यूजिक पे ऐड हो जाएगा, फिर सिंपली यहाँ से आपको बैक चले आना है, बैक आने के बाद
सिंपली आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको एमएक्स टिकट को ओपन करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे जाना है। साउंड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों लोकल्स में जाना है। आप लोकल पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको वही साउंड मिल जाएंगे जो आपने वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको जितने भी जिनका नाम होगा यहाँ पे आप नाम के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से कोई भी आपको अच्छा सॉन्ग लग रहा है आप जिससे रिलेटेड बना वीडियो बनाना चाहते हो एमएक्स टिकट डेस्क से, आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो MP3 में और यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वही वाला सॉन्ग यूज कर देख सकते हो, इसी तरीके से यूज करूंगा। तरीके से आपको अपनी जो भी वीडियो को शूट करना है यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फेवरेट वाले पे नहीं लेनी है साउंड, ना तो आपको लोकल पे लेना है। ज़्यादातर जैसे कि आपको जैसे कि कोई ट्रेंड वगैरह आ गया एमएक्स टिकट पर, कोई ट्रेंड चला तब तक मजबूरी है, नहीं तो आप जितने भी अपने लोकल में यहाँ पे लोकल में आ जाओगे तो लोकल में आपका जो भी आपके गैलरी में साउंड इफेक्ट डाउनलोड होंगे आपको इसी तरह से जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे वो सारे इफेक्ट आ जाते हैं, वो सारे म्यूजिक यहाँ पे आपको आ जाते हैं। आप यहाँ से यूज करके जो भी आप यहाँ पे सब वीडियो बनाओगे सारे म्यूजिक आपके ओरिजिनल साउंड पे होंगे, इससे जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियोस पे लाइक आएंगे। तो यही थी कुछ छोटी सी वीडियो में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।